मैं भारत के प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी से यह मांग करता हूं कि बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने के लिए, हिंदू जेनोसाइड रोकने के लिए सैन्य कार्यवाही अगर अपेक्षित है तो हमें करनी ही चाहिए। भारत सरकार को तत्काल प्रभाव से बांग्लादेश सरकार के साथ अपने सारे संबंधों को समाप्त कर देना चाहिए, ताकि उनको समझ में आए कि हिंदुओं के साथ अत्याचार करने पे भारत की सरकार मौन रहने वाली नहीं है। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, नहीं तो बांग्लादेश जैसे पाकिस्तान में हुआ, आज हिंदू नहीं है वैसे बांग्लादेश में भी हो जाएंगे। बांग्लादेश में इस्कॉन से जुड़े चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के मुद्दे ने इतना तुल पकड़ा है कि भारत और बांग्लादेश के संबंध भी दांव पर लग गए हैं। भारत ने गिरफ्तारी पर आपत्ति जताई तो बांग्लादेश भी भड़क गया और उसने कहा कि इस मुद्दे पर भारत को दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। सवाल ये है कि आखिर बांग्लादेश में इस्कॉन ऐसा क्या करता है कि बांग्लादेश सरकार उसे प्रतिबंधित करना चाहती है? क्या बांग्लादेश में हिंदू के खिलाफ जो हो रहा है उसके लिए इस्कॉन का काम जिम्मेदार है, या फिर बांग्लादेश की ये नई सरकार ही हिंदू के खिलाफ है? वहीं इस हमले को लेकर भारत के संतों ने क्या कुछ कहा, देखे वीडियो। धार्मिक नेता इस्कॉन के चिन्मय दास जी की गिरफ्तारी बेहद निंदनीय है। अखिल भारतीय संत समिति लंबे समय से यह मांग करती आ रही है। पिछले 5 अगस्त को जब बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना की सरकार को अपदस्थ किया गया, उसके बाद की जो गतिविधियां हैं वो ठीक नहीं है। हिंदुओं का दमन हो रहा है, हिंदुओं की हत्या हो रही है, उनकी दुकानें लूटी जा रही, उनको विभिन्न सरकारी नौकरियों से बाहर निकाला जा रहा है, और वहां तो इनकी किताब में सिर्फ काफिर शब्द है, और काफिर शब्द होने के कारण वो हिंदू ही नहीं, बौद्ध, सिख, जैन, ईसाई सबको प्रताड़ित करने में लगे हुए हैं। अब कहाँ है संयुक्त राष्ट्र संघ और सो कॉल्ड प्रतिवर्ष अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचारों पर अपनी लिस्ट जारी करने वाले लोग कहाँ चले गए हैं? अखिल भारतीय संत समिति भारत सरकार से मांग करती है कि तत्काल सैन्य कार्यवाही करनी चाहिए, और अभी संयुक्त राष्ट्र संघ में विरोध दर्ज करा करके कड़ा प्रतिरोध कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर अत्याचार, क्योंकि बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, ये हिंदुस्तान से टूट करके बने हुए हिस्से हैं, इसलिए स्वाभाविक तौर से, प्राकृतिक तौर से हमारा यह अधिकार है कि हम ऐसी मांग करें। भारत सरकार को बांग्लादेश के ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। क्या इंदिरा गांधी के समय जब बंगाली हिंदुओं का 1971 में नरसंहार हो रहा था तो भारत की सैन्य शक्ति ने बांग्लादेश के अंदर हस्तक्षेप नहीं किया था? जो तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान था तब भी हस्तक्षेप किया था, उनके 90,000 से ज्यादा सैनिक बंधक बनाए गए थे। आज ऐसी परिस्थितियां आ गई हैं कि मैं भारत के प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी से यह मांग करता हूं कि बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने के लिए, हिंदू जेनोसाइड रोकने के लिए सैन्य कार्यवाही अगर अपेक्षित है तो हमें करनी ही चाहिए। आज इस संस्थान के, इस्कॉन के जो अध्यक्ष हैं बांग्लादेश के, आज वो आतंक गतिविधियों में संलिप्त माने जा रहे हैं वहां की गवर्नमेंट के अनुसार। आज से पूर्व जब ऑल वर्ल्ड में कोरोना महामारी फैली हुई थी तो उसी इस्कॉन टेम्पल ने बांग्लादेश के अंदर महीनों तक लाखों लाखों लोगों को भोजन देने का, दवा देने का कार्य किया था। तब वो आतंकवादी गतिविधियों में नहीं थे, लेकिन आज वो सरकार बदलते ही आतंकवादी गतिविधियों में आ गए। तो ये तो उस सरकार की सोची समझी चाल है कि हिंदुओं को यहाँ से पलायन किया जाए ताकि बांग्लादेश के अंदर हिंदू ना रहे। तो इस प्रकार की स्थिति में संपूर्ण विश्व बिरादरी इसकी घोर निंदा कर रही है। अभी जो है हमारे अमेरिका में जो चुनाव हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसकी घोर निंदा की कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। तो जो सत्य है वो सत्य है, इसकी घोर निंदा की जानी चाहिए, और इससे संपूर्ण संत समुदाय बहुत आहत है, बहुत दुखी है कि इस प्रकार के कृत्य किए जा रहे हैं। हालांकि यह कोई नया कार्य नहीं है बांग्लादेश और पाकिस्तान का, ये पुराने कार्य हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या जिस हिसाब से घट रही है, ये प्रतीत हो रहा है कि एक सूत्री कार्यक्रम चल रहा है इस्लामिक करण का, जिससे जो है
संपूर्ण बांग्लादेश, संपूर्ण पाकिस्तान को इस्लामिक देश तो है ही है वो, लेकिन उसको और इस्लामिक किया जाए, जो थोड़े बहुत अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनको भी वहां से पतन कर दिया जाए, वहां से उनको भगा दिया जाए, या फिर उनको किसी ना किसी गतिविधियों में फंसा करके उनको बंद कर दिया जाए। इसमें भारत सरकार को तत्काल प्रभाव से बांग्लादेश सरकार के साथ अपने सारे संबंधों को समाप्त कर देना चाहिए, ताकि उनको समझ में आए कि हिंदुओं के साथ अत्याचार करने पे भारत की सरकार मौन रहने वाली नहीं है। वह हिंदू मुस्लिम दोनों के साथ लेकर चलने वाले हैं और उनको देशद्रोही कैसे कह दिया। देशद्रोही करना गलत है और उसको जेल में भेजना भी गलत है। जितना भी काम बांग्लादेश ने हिंदुओं के ऊपर अन्याय किया या कर रहा है, वो इसी से पता चलता है कि इसी सामान हिंदुओं का क्या दशा होगी यह बांग्लादेश में। इसी से पता चलता है कि एक इसकार के व्यक्ति जो हिंदू मुसलमान दोनों के साथ जोड़ करके और शांति करने का प्रयास करता है, उसे देशद्रोही कहते हैं। और देशद्रोही करके और जो जिस तरह से उसे जेल में बंद किया गया है वो बहुत ही गलत है, और जमानत भी खारिज कर दिया, ये बहुत गलत किया कोर्ट ने। और कोर्ट ने कोर्ट के साथ में वहाँ के जो शासन है वो एकदम हिंदुओं के पीछे पड़ गया है, और हिंदुओं के साथ अन्याय जो हो रहा है वो बहुत ही गलत है। और इस पर हम तो कहे थे कि सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, नहीं तो बांग्लादेश जैसे पाकिस्तान में हुआ, आज हिंदू नहीं है वैसे बांग्लादेश में भी हो जाएंगे। बहुत से हिंदू हैं और उनके साथ जो अन्याय शुरू हुआ है उसके लिए संज्ञान लेना चाहिए सरकार को, जिससे कि वहां के हिंदुओं को बचाया जा सके।